हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक और नया डिज़ाइन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि जेंट्स स्वेटर में बहुत ही प्यारा लगेगा ये डिज़ाइन। तो देखिए किस तरह से ये बनता है। इस डिज़ाइन को डालने के लिए हमने 2 के मल्टीपल फंदे लेने हैं और 2 फंदे एक्स्ट्रा हमने एज स्टिच के लिए लेने हैं। तो देखिए कैसे स्टार्ट करना है। फर्स्ट रो से मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पे पहला फंदा हम एक फंदा उल्टा करेंगे, फर्स्ट पहली सिलाई सीधी साइड से धागा नीचे करेंगे। ये 2 फंदे हमारे उल्टे हो गए, धागा नीचे किया। यहाँ से हम 2 फंदों के बीच से यहाँ से एक लूप निकालेंगे इस तरह से लंबी सी, और इस लूप को इस तरह से पकड़ के रखेंगे और ये वाला फंदा लेंगे और जो लूप निकाली है इसको हम बीच वाले इन दोनों फंदों के बीच में डालेंगे। अब थोड़ा सा इसको धागा मतलब इसको टाइट कर देंगे, थोड़ा ज़्यादा लूज नहीं रखेंगे। और पहले फंदे को ऐसे एक एक सीधी तरफ को बनाया और दूसरे फंदे को, ये 2 फंदों को एक साथ बनाया, एक लूप वाला एक दूसरा, आगे के 2 फंदे उल्टे। फिर से हम 2 फंदों के बीच से ये एक लूप निकालेंगे, इसको इस तरह से दबाएंगे, पहला फंदा आगे निकालेंगे, इसको बीच में डालेंगे और फिर से उस फंदे को उस लेफ्ट नीडल में डालेंगे, आगे का फंदा सीधा बनाएंगे और 2 फंदों को हम एक साथ बुनेंगे। दो फंदे उल्टे बनाएंगे, दो फंदों के बीच में नीडल डालेंगे और इसको लूप निकाल के एक फंदा हम आगे करेंगे और इस लूप को बीच में डाल के एक फंदा ऐसे बनाएंगे, दूसरा फंदा हम इसके ऊपर बनाएंगे। ये देखिए धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे एक उल्टे बनाएंगे, फिर से 2 फंदों के बीच में हम नीडल डालेंगे बड़ी लूप निकाल के और इसको ऐसे बीच में दोनों फंदों के बीच में डाल के एक फंदे को सिंगल बनाएंगे और 2 फंदों का हम एक करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, इसी तरह से हम अपनी ये रो कंप्लीट करेंगे, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट रो मैंने कंप्लीट कर ली है। अब सेकंड रो पे हमने जो फंदे सीधी साइड से उल्टे बनाए हैं, 2 फंदे, उनको हम सीधा बनाएंगे दूसरी रो में, और जो फंदे हमने 2 बीच में लूप लेके किए थे उनको उल्टा बनाएंगे। तो ये दूसरी रो हम इसी तरह से बनाएंगे, 2 फंदे सीधे बनाएंगे और 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। जो हमने जो जुड़े हुए फंदे होंगे वो उल्टे होंगे और जो सीधी साइड से उल्टे थे उनको सीधा बनाएंगे। तो ये सेकंड रो हमारी इसी तरह से होगी डिजाइन की। ये देखिए इस तरह से जो सीधी साइड से उल्टे फंदे थे उनको हम सीधा बनाएंगे उल्टी साइड से, और जो ये डिजाइन का फंदे हैं 2 उनको हम उल्टा बनाएंगे। तो ये रो सेकंड है, इनको हम इस तरह से ही बनाएंगे, सीधे 2 सीधे 2 उल्टे इस तरह से आएंगे। लास्ट का एच का फंदा है, इसको हम सीधा बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब डिजाइन नंबर रो नंबर 3 हमारी आ रही है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे। एक फंदा हम यहाँ पे, ये उल्टा फंदा है, इसको हम यहाँ पे 2 उल्टे बनाए थे, एक उल्टा ही बना लेंगे। अब हम धागा नीचे करेंगे, एक ये उल्टा फंदा लेंगे और एक इस डिजाइन का फंदा लेंगे। देखिए पहला दूसरा फंदा हम राइट साइड की तरफ को ऐसे पहले बनाएंगे, फिर हम ये पहला फंदा बनाएंगे
और दोनों को साथ में छोड़ेंगे। इस डिब्बे को हमें खोलना है। फिर हम बैक साइड से देखिए, इस तरह से दूसरा फंदा भी हम पहले बनाएंगे इस तरह से, और पहले फंदे को बाद में बनाएंगे इस तरह से। धागा सॉरी, फिर हम पहला फंदा पहले बुनेंगे, दूसरा फंदा पहले बुनेंगे, और ये उल्टे वाला फंदा इसको हम बाद में बुनेंगे। ये देखिए फ्रेंड, इसमें हमने लेना है एक सीधा फंदा आएगा हमारा, एक उल्टा आएगा, एक सीधा फंदा आएगा एक उल्टा आएगा। बुनना हमने दूसरा फंदा पहले बनाना है, और आगे से भी और पीछे से भी। ये देखिए ऐसे, और ये डिब्बी हमारी बन गई। यहाँ पे फिर से दूसरा फंदा पहले बनाया, और फिर हम पहला फंदा बनाएंगे। ऐसे ही बैक साइड से देख लीजिए, दूसरे फंदे को पहले बनाएंगे और पहला फंदा बाद में बनाएंगे। तो ये तीसरी रो है हमारे डिजाइन की, इसको हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। इसमें सीधा उल्टा नहीं करेंगे, एक सीधा फंदा लेंगे और एक उल्टा। पहले हम सीधे वाला बनाएंगे और उल्टे वाला बाद में बनाएंगे, आगे से भी और पीछे से भी। फ्रेंड्स ये देखिए, दोनों चारों फंदों को हमने ऐसे ही बुनना है। पहले पीछे वाला फंदा बनाएंगे, फिर आगे वाला फंदा बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से, इस तरह से पहला दूसरा फंदा पहले बनाएंगे और पहला फंदा बाद में। इसी तरह से पीछे से भी हम पहला फंदा, पीछे वाला फंदा पहले बनाएंगे और आगे वाला फंदा बाद में बनाएंगे। तो देखिए अब यहाँ पे दो एक फंदा उल्टा बच गया, इसको हम उल्टा बनाएंगे, और एज स्टिच है इसको हम सीधा बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी डिब्बी यहाँ पे खुल गई है, मतलब। और यहाँ पे जो थर्ड रो है, ये हमारे फोर्थ रो डिजाइन की, ये हमारी पूरी उल्टी ही बनेगी। देखिए इसमें हम सीधा उल्टा नहीं करेंगे, ये हम पूरी रो उल्टी ही बनाएंगे। पूरी रो हमारी उल्टी बनेगी, चौथी रो है ये डिजाइन की। चार सिलाइयों का ही ये डिजाइन है हमारा। ये देखिए इस तरह से हमारा डिजाइन बन के आ रहा है, ये थोड़ा थोड़ा तिरछा बन के आएगा डिजाइन। ये देखिए, तो फ्रेंड्स देखिए, 1 से लेके 4 रो तक हमने रिपीट करनी है, और हमारा डिजाइन ऊपर बढ़ता जाएगा और ऐसे बनता जाएगा। तो अगर आपको मेरा ये डिजाइन अच्छा लगता है लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच, और बाय बाय। मिलती हूँ एक और नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।